चलिए अब cos x का इसके अकॉर्डिंगली आपने चेक कर दो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इन पाई कॉमा थ्री पाई बाई टू पाई कॉमा थ्री पाई बाई टू में कॉस क्या होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पाई कॉमा थ्री पाई बाई टू कौन सा क्वाड्रेंट होता है हाँ जी क्यों थर्ड क्वाड्रेंट है ना थर्ड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव तो इंक्रीजिंग वाला ऑप्शन नहीं हुआ एफ डैश एक्स लेस देन 0 ठीक है अब नेक्स्ट चेक करो डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 कॉमा पाई सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव अब थर्ड वाली ऑप्शन भी एक बार चेक करो माइनस पाई बाय टू टू पाई हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया कल जो क्वेश्चन कर रहे थे उसको रेक्टिफाई किया तो ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव अब साइन स्क्वायर एक्स जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 का 3 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस वन साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाई करती है तो वन माइनस साइन एक्स अभी ऑलवेज पॉजिटिव यानी कि जो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई दैट इज अ पॉजिटिव वन अब जो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा दैट विल डिपेंड ऑन कॉस एक्स क्योंकि ट्वेल्व भी आपका पॉजिटिव आ गया अब कॉस एक्स जो है वो हमें वो ऑप्शन गिवन है कि कॉस एक्स के अकॉर्डिंग भी हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज You are given these options. यहाँ पे minus pi by 2 to pi by 2. दो मैंने बता दिए दो अब आपको फर्स्ट और सेकेंड क्लियर अब थर्ड वाला माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू कौन कौन से क्वाड्रेंट्स बनेंगे थर्ड एंड फोर्थ इसमें कॉसेस पॉजिटिव अगला तो वहां हमें उसने क्या कहा पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग यहाँ पे अभी बने डिक्रीजिंग अब नेक्स्ट चेक करो जीरो टू पाई बाई टू पॉजिटिव और वहां क्या अभी बने डिक्रीजिंग तो कौन सा वाला मैच कर रहा था फर्स्ट वाला कैसे पाई बाई टू पाई से थ्री पाई बाई टू थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड पे कॉस इज नेगेटिव कॉस नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग यहाँ क्या है इंक्रीजिंग तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया पाई बाई टू टू पाई सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन 0 आया तो डिक्रीजिंग तो ये ऑप्शन आपका मैच ठीक है तो ऑप्शन बी जो था वो आपका आंसर
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, y is equal to x into x minus 3 whole square decreases for the value of x given 1. Anji, Achal, 9 or 8? अच्छा चलो नेक्स्ट बताओ, x into x minus 3 whole square is decreases for what values of x? You have to find the values of x for which this is decreasing. क्या करें, जल्दी जल्दी बोलो, ऐसे तो पेपर ही डिस्कस करते हैं। हाँ जो मर्जी लगाओ, चाहे नेगेटिव ओपन करके करना, चाहे इसको लगाओ जैसे मर्जी करो। अच्छी ओके नाइन प्लस ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स में बात करें, वन एंड थ्री आ गए, तो इट डिक्रीजेस इन द इंटरवल 1, 3। तो ऑप्शन ए आपका। नेक्स्ट हमें गिवन था फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी शोन शेडेड इन द गिवन फिगर, मिनिमम ऑफ जेड इज 4x + 3y, मिनिमम ऑफ जेड अप टू जेड, आपको पॉइंट्स गिवन थे, सिंपली वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ रहा। मोस्टली सभी स्टूडेंट्स का ये सही था, नाउ डिस्कसिंग दिस, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बाइजेक्शंस फ्रॉम जेड इनटू जेड? Bijection is Anji, one or on two. First we have f of x is equal to x cube, then f of x is equal to x plus 2, then f of x is equal to, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो जेड टू जेड बाइजेक्शन है। f of x is equal to x cube, 1 है, x1 cube equal to x2 cube, x1 equal to x2 आ जाएगा, on 2 है, x cube on 2 है, from z to z, बीच में से कई नंबर्स ऐसे होंगे जो आपका मिसिंग हो जाएंगे क्यूब के, ठीक है, तो this is not bijective। अगला f of x is equal to x plus 2, 2x plus 1 में भी you will get all the numbers as odd, तो even जो integers हैं वो skip हो जाएंगे, तो this is not odd too, then x square आ गया, तो सारे numbers positive रह जाएंगे on 2 में, on क्या नाम है आपका, जब range होगी that will always be positive, तो range जो है वो codomain का except बनेगा, तो on 2 नहीं होगा। last option हमारे पास क्या बना बच्चा, f of x is equal to x plus 2, इसमें आपके सारे नेगेटिव इंटीजर्स भी कवर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स भी कवर होंगे, तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, कंसीडर द सेट a is equal to 1, 3, 5, सेट a हमें गिवन है 1, 3, 5 एंड वी आर टू फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट a। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए आपको फार्मूला करवाया था 2 raised to power n square minus n, ठीक है, 2 raised to power n square minus n, अब n कितना है यहाँ पे 3, तो 2 raised to power 3 square minus 3, तो आंसर इज 2 raised to power 6। ये वाले फॉर्मूले अगर आप लर्न कर लें तो उसमें प्रॉब्लम है, मैंने भेजे हमने उसे ग्रुप में, रितु मैम ने भी सेंड किए हुए, सुबह पेरेंट्स वाला ग्रुप में उसमें मैंने भी सेंड किए।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस ए इज इक्वल टू 5/3 बी गिवन है 4, 5, 6, 7 एंड फंक्शन मुझे गिवन है फ्रॉम ए टू बी एफ इज इक्वल टू 1, 4, 2, 5, 3, 6 देन दिस फंक्शन हैज देन द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज 1, 1 एंड ऑन टू 1, 1 बट ऑन टू नॉट 1, 1 बट ऑन टू 1, 1 बट नॉट ऑन टू नीदर 1, 1 नॉट ऑन अभी फंक्शन बताओ 1, 1 ऑन टू 1, 1 है क्यों 1 इज एसोसिएटेड विद 4, 2 विद 5, 3 विद 6 1 एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद दिस और ए के सभी एलिमेंट्स एसोसिएटेड है तो फंक्शन इज 1, 1 अब इसमें 7 रेंज में नहीं है बट कोर डोमेन में है तो इट मींस रेंज जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ कोर डोमेन रेंज जब कोर डोमेन का सबसेट है तो इट इज नॉट ऑन टू यानी कि फंक्शन 1, 1 है बट नॉट ऑन टू नेक्स्ट वन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ये मोस्टली सबका ठीक था कॉस इनवर्स हाफ क्या होता है कॉस की वैल्यू हाफ कहां पे होती है 5/3 देन 2 साइन इनवर्स हाफ साइन इनवर्स हाफ साइन में वैल्यू हाफ कहां पे होती है 30 डिग्री पे 5/6 आ गया देन 4 टाइम्स tan इनवर्स 1/3 tan में वैल्यू 1/3 कहां पे होती है 5/6 अब सिंपलीफाई कर लो इसको सो दिस इज योर आंसर ठीक है ये वाले क्वेश्चन काफी सिंपल है और मोस्टली सबके सही हैं नेक्स्ट वन द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 43 माइनस upon 5 43 pi hai cos of q minus cos पहले इसको कन्वर्ट करो इस तरीके से क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो मुझे अंदर साइन चाहिए 8 यहाँ पे 8 pi माइनस प्लस 3 pi 5 रीराइट कर लिया अभी cos 3 pi/5 का ओके आगे क्या लिखूं यहाँ पर क्या साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे कॉस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बन रहा है वो बाकी ऐसे हम लेके ही बताएंगे ठीक है क्लियर नेक्स्ट वन इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा आप साथ में मुझे कंडीशन भी बने ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अभी ना कैसे करें ए भी बने मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बने अल्फा मुझे निकालना हाँ जी अच्छा फिर तो मैं सीधा क्यों ना करूं
ठीक है, क्लियर? तो आंसर आ जाएगा आपका बाय बाय. इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड सच दैट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज 10 टाइम्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ this is a matrix of order 3 such that A into adjoint of A is 10 times I, n determinant of adjoint of A is. Give me formula. A into adjoint of A is equal to determinant into identity matrix. यानी कि determinant की value कितनी आ गई? 10 आ गई. अब determinant of adjoint of A is equal to determinant raised to power order minus 1. ठीक है? हाँ, power 2 आ जाएगी. 10 raised to power 2 यानी कि answer will be 100. Got it? A into adjoint of A जो है ये आपका formula क्या है? That is equal to determinant of A into I. तो जब हमने इसको compare किया तो determinant of A की value कितनी आ गई? 10. अब determinant आ गया और determinant of adjoint of A किसके equal होता है? Determinant raised to power order minus 1. तो that is determinant 10 raised to power order 3 का 3 minus 1 यानी कि 10 raised to power 2, that is 100. Clear? So 100 जो है वो आपका answer आ गया. Next question. मोस्टली क्या सभी बच्चों का गलत नहीं था, क्योंकि जितना निकाला आपने उसे आगे नहीं सोचा कि अगर ये ऑप्शन नहीं मिला ना, आप मिस प्रिंट के चक्कर में रहे कि ऑप्शन मिस प्रिंट है तो क्वेश्चन गलत. गिवन है मुझे और इसके साथ मुझे गिवन है सी इज इक्वल टू कॉस थीटा. So find the value of this determinant. देखने के क्वेश्चन काफी सिंपल था. Determinant क्या आया था इसका आपका? Determinant क्या है? C into C square minus one. आगे minus one into C. ये बन गया C cube. अब ये term zero बन गया. So this was C cube minus two C. C किसके equal given है? Two cos theta के. तो ये क्या बन गया आपका? 4 8 cos theta हमें जो ऑप्शन गिवन थी उसमें आपका यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ नहीं. ठीक है, तो इट मींस आप उसको मार्क नहीं कर सकते, तो वो मिसप्रिंट नहीं था. ये वाला क्वेश्चन हमारा आगे फर्दर सिंप्लीफाई होना था. कैसे होना था? This is 4 cos theta, 2 cos square theta minus 1. किसका फॉर्मूला है? Cos 2 theta. अब हमारे पास एक ऑप्शन थी जिसमें sin 4 theta upon sin theta. हमने क्या करना था इसको? Sin theta से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. अब आप आई होप कि बता सकते हो. इसको 2 into sin theta cos theta किसका फॉर्मूला होता है? साइन टू थीटा. तो क्या आ गया मेरे पास? 2 साइन टू थीटा कॉस टू थीटा अपॉन साइन थीटा. अब 2 साइन टू थीटा कॉस टू थीटा इज अगेन साइन फोर थीटा अपॉन साइन थीटा. तो ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर है. ठीक है, क्लियर? तो थोड़ा सा मतलब अपनी जो थिंकिंग है उसको एक्सपैंड करो कि अगर ए अकॉर्डिंगली नहीं आ रहा तो ऑप्शन चेक करो उसके अकॉर्डिंगली. Now the next one. If A is equal to 1, 4, 3, 15
Then find the determinant of A inverse. Determinant of A inverse is that is equal to 1 upon determinant A. So, सीधा क्या आना था यहाँ से? यानी कि आपको पहले A inverse निकालने की जरूरत नहीं थी, आप इसको direct नहीं कर सकते. क्या बनेगा? Determinant A कितना है? 3. So, what will be the value of this? Determinant of A inverse 1/3. नेक्स्ट ये भी जो था क्वेश्चन आपका पता होना चाहिए आपको. इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए. देन इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज ऑलवेज 0. तो ये भी डायरेक्ट ये हो गया था कभी रेस. तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट था. नेक्स्ट द डेरिवेटिव ऑफ ये भी काफी बच्चों का गलत क्वेश्चन अदरवाइज इतना टेक्निकल नहीं था. डेरिवेटिव ऑफ एफ टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी सीकेंट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 5. और हमें गिवन क्या है व्हेन f डैश 1 इज इक्वल टू 2 एंड g डैश रूट 2 इज इक्वल टू 4. अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या है. f ऑफ x का डेरिवेटिव इज f डैश. ठीक है अब ये फर्दर डिफरेंशिएबल है तो tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू था मैं सीधा इसको अपॉन g ऑफ secant x का डेरिवेटिव g dash secant x into ये फर्दर डिफरेंशिएबल है तो secant x tan ये और ये कैंसिल आउट हो गए. अब x इज इक्वल टू क्या है 5/4 तो वैल्यू इज इक्वल f dash tan x tan 5/4 g dash secant 5/4 एंड यहाँ पे secant 5/4 tan 5/4 tan 5/4 आपको पता है दैट इज 1 एंड secant 5/4 इज रूट 2. अब यहाँ पे क्या बना f डैश 1 f डैश 1 की वैल्यू कितनी की बना मुझे 2 इनटू secant 5/4 इज अपॉन g डैश secant 5/4 g डैश रूट 2 आ गया कितना की बना ये मुझे 4 और tan इज अब ये कट गया आपका रूट 2 अपॉन 2 इज 1/2 ये आपका. Next, y is equal to root sin x plus y. Find dy by dx. Root है तो अगर आप ऑप्शन देखते हैं आपके पास cos of 2y minus 1 cos x upon 1 minus 2y cos sin x upon 1 minus 2y sin x upon 2y minus 1 यानी कि root missing था. तो हमने क्या करना है सबसे पहला काम रूट भी हटाएंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो y स्क्वायर इज इक्वल टू sin x प्लस y. अब डेरिवेटिव हो गया dy by dx वाली टर्म्स एक तरफ ले लो फिर dy by dx कॉमन ले लो cos x upon 2y minus 1. ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें भी कुछ मुश्किल है. फिर y is equal to e to the power minus x square into sin of log x find d by dx. क्या लगना क्या लगना था यहाँ सिंपल u into v क्या लगना था y डैश इज इक्वल टू ये u ले लो ये v चलो बताओ u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin इज cos 1 2
अब log x पर का डिफरेंशिएबल है, log x का डेरिवेटिव 1 by x फिर प्लस का साइन, अब v as it is डेरिवेटिव ऑफ दिस सेम इनटू माइनस 2, तो ये आपका आंसर है, फोर्थ ऑप्शन थी. Then the function f of x is equal to tan x minus x. Always decreases, always increases, never increases, sometimes increases and sometimes decreases. Yani increasing, decreasing aapko check karna hai. Always increases. कैसे? हाँ जी. Okay. Eliminates. Always increases है, but कैसे? Derivative क्या आएगा? Minus one. किसके equal होता है? Secant square x minus one is tan square. This is tan square. Yes. अब v का square this will always be positive. The function जो है आपका that is always increase. उसके बाद function f of x is equal. Two x cube minus 3x square minus 12x plus 4 has two points of local maxima, two points of local minima, one maxima, one minima, no maxima, no minima. Derivative, maxima, minima के लिए derivative find out करो, क्या आएगा? हाँ जी. क्या अच्छी माइनस फैक्टर्स बना लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू. क्या फैक्टर्स बन गए? x plus 1, x minus 2, यानी कि x is equal to minus 1, comma 2. अब बताइए, critical points आ गए, अब दो points आ रहे हैं हमारे पास, तो हमें अब check करने हैं कि ये minima का point है या maxima का point है, what we are to find out for this. तब बताइए क्या आएगा? अब double derivative से पहले check करो minus 1 और फिर check करो. Less than zero to point of minima or maxima. Less than a maxima. Or f of 2, 18. So this is a point of minima. So how many maxima and minima? One maxima and one minima. Okay. Now the maximum value of f of x is equal to 1 by x raised to power x. We may move up further. Maximum value of f of x is equal to 1 by x raised to power x. अब आप बताओ. बहुत बार डिस्कस हो चुका है. Extra class. Log ले लो, चलो. Log of इसको मैं y लिख लेती हूँ for my ease. क्या आएगा? आगे. मुझे नहीं पता, आप बताओ जल्दी करो, दो मिनट रह गए. लॉग ऑफ 1 बाय एक्स x
log of 1 by x है ना. हाँ जी एक मिनट वो भी कुछ कह रही है समझो बोलो. अच्छा यू आर सेइंग कि इसको मैं लिख लूं 1 अपॉन ये आगे. कल भी यही गलती कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन में, आज भी लास्ट क्वेश्चन है वहां भी गलती होगी. दिस इज फर्दर डिफरेंशिएबल. या फिर आप एक और काम कर सकते हो, ये कौन सी फॉर्म बन रही है लॉग ऑफ. हाँ तो इसको उस फॉर्म में लिख लो तो दैट विल बी इजी फॉर यू. क्या बनेगा दिस इज क्या बनेगी क्या हो गया तो क्या कह रहे हैं वहां पे आपको फिर फर्दर 1 बाय x का डेरिवेटिव देना था जो आप प्रीवियस मेथड कर रहे और कहीं पार्ट आप स्किप कर बनना यही था. ये जीरो बन गया log 1 जीरो हो गया तो ये रह गया. आप कर लोगे आगे कंप्लीट करके आना है इसको अदरवाइज वी विल डिस्कस दिस टुमारो. Also, you have to complete this question and we will discuss it tomorrow.